अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अदनान मेहंद्रिस अपने एक नए आर्ट वर्क के साथ आज दोबारा आप लोगों के साथ आया हूं। डियर, ये जैसा कि आप स्क्रीन पे एक मेरा फाइन स्केल मॉडलिंग आर्ट वर्क देख रहे हैं, इसमें मैंने आज एक पाकिस्तान एयरफोर्स का फाइटर जेट एयरक्राफ्ट मॉडल प्रिपेयर किया है जिसका नाम है F6 शेनजैंग। तो नाज़रीन, वीडियो और इस आर्टवर्क मॉडल की जानिब चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी जो है वो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी आप क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको ईज़िली मिल सकें और आप उसे फुली जो है वो इन्जॉय कर सकें। तो डियर, चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ जो कि हमारा स्केल मॉडलिंग से कंसर्न है। आज इसमें जैसा कि मैं आपको अपना ये मॉडल शो कर रहा हूँ, F6 फाइटर जेट, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक टाइम में बहुत ही सुपर्ब, बहुत ज़बरदस्त, डेडली और एक एज अ इंटरसेप्टर के तौर पर जो है वो ऑपरेशनली इसको बड़ा अच्छा PAF ने यूज़ किया है। डियर, ये एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जो है F6 जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 1965 की वॉर की हमारी एक फ्लाइंग वॉर मशीन के तौर पर भी यूज़ किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको 1965 से लेके 2002 तक जो है इसको बहुत ऑपरेशनली रखा और ये बहुत ही सुपर्ब मिशंस के लिए जो है वो यूज़ किया गया बाय PAF। और पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स ने इसके साथ अपने ही बहुत ही ज़बरदस्त मिशंस को जो है वो कंप्लीट किया। आप को इसके बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ कि 65 की वॉर में भी पाकिस्तान ने इसको इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट बहुत ही बेस्ट वे से जो है वो यूज़ किया और उसमें हमारे पायलट्स ने जो है जिससे इंडियन एयरफोर्स को जो है वो एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा हार्ड लेसन जो है वो उनको सिखाया या दिया। इस एयरक्राफ्ट की जहाँ तक हम फर्दर आगे बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो इसकी डियर मैक्सिमम स्पीड इस एयरक्राफ्ट की दैट वाज 960 माइल्स पर आवर थी और इक्वलेंट जिसको आप ये कह सकते हैं मैक 1.45। और इसकी जो अराउंड सर्विस सीलिंग है दैट इज़ 58,700 फीट है। पावर प्लांट में इसकी जो इंजन है दैट इज़ टर्बो इंजन। और आप इसी तरह से स्क्रीन पे देख सकते हैं इस मॉडल को जो मैंने डिटेल थोड़ी सी दी है। कॉकपिट के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें थोड़ा सा मैंने इसको ब्लैक जो कार्बन डिपॉजिट का एक इम्प्रेशन दिया है, इसमें मैंने दिखाया कि आफ्टर गन फायरिंग एयरक्राफ्ट के ऊपर थोड़ा सा जो है वो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। तो ये अपने मतलब बिल्कुल कॉकपिट के नीचे आप थोड़ा सा ये देखें इसको, तो ये गन मैंने इसकी मेंशन की है, ये जो इसकी कैनन होती है जिससे ये एयरक्राफ्ट एनिमी एयरक्राफ्ट को इजीली हिट कर सकता है, मैंने उसको भी साथ इसके यहाँ पर थोड़ा सा एक रियल उसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट देते हुए उसको भी शो ऑफ किया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये सिंगल सीटर होता है और इसके हार्ड पॉइंट्स टोटल 4 होते हैं। जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा अगर क्लोज व्यू इस मॉडल का दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि अंडर विंग्स ये 2 जो है वो टोटल फ्यूल टैंक्स को कैरी कर रहा है। इसके अलावा इसमें मिसाइल्स का ऑप्शन भी होता है अंडर विंग्स कैरी करने का, जिसके ज़रिए ये एनिमी एयरक्राफ्ट को बहुत ईजिली जो है वो टारगेट करके हिट कर सकता है। बाकी इसमें फर्दर डिटेल में मैंने इसको जो है PAF डीगल्स और फ्लैग के साथ इसको प्रिपेयर किया है। टेल पे अगर आप इसके देखें तो मैंने ईगल स्क्वाड्रन का बैच भी इसमें मेंशन किया है और इसको अपनी फेवरेट और पाकिस्तान की इनिशियल जो स्कीम वाइट यूज़ की गई थी वो मैंने इसके ऊपर दी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वैसे ये एयरक्राफ्ट वाइट स्कीम के अलावा और स्कीम्स में भी यूज़ किया जाता रहा है, जिसमें सिल्वर भी थी, ग्रे कैमोफ्लेजिंग भी थी और येलो और रेड में एरोबेटिक स्कीम्स में भी इसको यूज़ किया जाता रहा है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो, ये मॉडल, ये मेरा आर्टवर्क ज़रूर अच्छा लगा होगा। काइंडली अगर मेरा ये मॉडल, ये आर्टवर्क आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स में भी जो है वो अपनी जो भी आइडियाज़ हैं या जो भी आप इसके बारे में कहना चाहते हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे अपने कमेंट बिल्कुल आप इस वीडियो के बारे में और मेरे इस आर्टवर्क के बारे में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो और ये एयरक्राफ्ट मॉडल, मेरा आर्टवर्क ज़रूर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द जो है वो एक नई वीडियो और मेरे नए आर्टवर्क के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़।